जय हिंद दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रीवियस कट ऑफ इंडियन नेवी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश. इन इंग्लिश सेक्शन कि जो इंग्लिश सेक्शन था वो 25 मार्क्स का था, 25 क्वेश्चन थे. साइंस भी 5 का था, मैथ्स भी 25 एंड जीके भी 25 है ना. और टोटल 100 मार्क्स का पेपर था. और इसमें था माइनस मार्किंग था इसमें, ठीक है. तो जो फिज़िकल के लिए जो मार्क्स था कंपलसरी था फिजिक्स फिजिकल के लिए, पीएफटी के लिए जो कॉल लेटर आता है आप लोगों का एडमिट कार्ड, उसके लिए मैं मार्क्स पे बात कर लेता हूँ. जो इसमें सेक्शनल कट ऑफ गया था लास्ट टाइम इन ईच सेक्शन, इंग्लिश में भी 10 इंग्लिश में भी 10, साइंस में भी, मैथ्स में भी 10 और जीके में भी 10. ओवरऑल था 40 मार्क्स, ठीक है, 100 में से. तो जिनका भी अराउंड 40 मार्क्स था उन लोगों को फिज़िकल के लिए एडमिट कार्ड उनका आ गया था, ठीक है. बट एक बात कहूँगा कि जो सेक्शनल कट ऑफ है मस्ट था. सपोज़ अगर आप इधर जीके में 25 में से अराउंड 15 स्कोर कर दे, मैथ्स में से 25 में से 20 स्कोर कर दे, साइंस में 25 में से अराउंड 18 स्कोर कर दे, बट इंग्लिश में अगर आपने 10 में से 9 भी स्कोर किया है तो आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे. यू वॉन्ट बी कॉल्ड फॉर पीएफटी. ओके, अगर आपका इस साल भी ऐसा रहता है कि आप हर सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर दें और इंग्लिश सेक्शन में भी अगर आपका कम रहे तो आपको बुलाया नहीं जाएगा, ठीक है. तो ये बात का ध्यान रखना कि हर सेक्शनल कट ऑफ जो भी फिक्स डिसाइड करेगा नेवी, वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होगा, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा. लास्ट टाइम जो सेक्शनल कट ऑफ था वो 10 था, है ना. इस सेक्शन में अगर आप लोग 3 स्कोर कर देते हैं, एक में कम रहता है, तो आपको कॉल नहीं आएगा फिजिकल का, ठीक है. तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आप लोग 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, अगर आपको कोई वीक पॉइंट इग्नोर करें, आपको चारों सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है. नहीं ज़्यादा तो इतना स्कोर करना है कि वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, और जो आपका प्लस पॉइंट है, जो आपका इजी सब्जेक्ट लगता है, जो आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप अच्छा स्कोर करिए. क्योंकि बाय द एंड जो मेरिट रहेगी उसमें, तो जो ओवरऑल मार्क्स रहेगा उसमें फिर देखा जाएगा, ठीक है. सेक्शनल कट ऑफ तो ठीक है, ज़रूरी है नेक्स्ट स्टेज के लिए, बट जब ओवरऑल कट ऑफ है आपका मेरिट में काम देगा वो. तो मैं आपको यही कहूँगा कि हर सब्जेक्ट करिए, ठीक है. मैं इंडियन नेवी डबल ए की बात कर रहा हूँ, अभी एसएसआर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. अभी डबल ए जो टैक्स ग्रुप मान सकते हैं आप इसको, टेक्निकल है, इसका सैलरी वगैरह भी ज़्यादा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. प्रीवियस कट ऑफ था इसका नेवी का, है ना. चारों सेक्शन है, चारों में सेक्शनल रहेगा. बस आपको सेक्शनल अराउंड मान लीजिए इस बार इतना ही रहेगा, ज़्यादा वेरिएशन रहेगा नहीं. टेक्निकल है, पेपर थोड़ा टफ रहता है, तो 10 मैक्सिमम इस बार भी रहने के चांसेस है. 10 या ज़्यादा 2 या 3 नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा सेक्शनल जाएगा नहीं, ठीक है. तो हर सेक्शनल में अराउंड कोशिश करिए कि 12-15 स्कोर हो जाए, और जो ओवरऑल है ओवरऑल आप लोग कोशिश करना कि 68-69 आ जाए, कि मेरिट में दिक्कत ना हो उधर. फिर कि इधर भले फिज़िकल के लिए बुला ले, बट मेरिट में भी काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है. तो लास्ट टाइम जिन लोगों का 40 मार्क्स था, अगर उनका इस सेक्शन में 10 मार्क्स था, तो उनको फिज़िकल के लिए कॉल आया था. कई बच्चे ऐसे भी थे जिनका 45 मार्क्स था, है ना, बट उनके साइंस पोर्शन में 8 या 9 नंबर थे, तो वो रह गए थे कुछ स्टूडेंट्स लोग. तो मैं आपको यही बता रहा था कि आप हर जो सेक्शन है उस पर मेहनत करिए, ऐसा ना हो कि किसी एक में आपका स्कोर कम रहे और दिक्कत हो जाए फिर, है ना. और एसएसआर का तो खैर इजी होता है पेपर, इतना टफ नहीं है, बट डबल ए का जो रहता है टेक्निकल थोड़ा टफ रहता है. तो साइंस वगैरह अच्छे से पढ़िए, सेक्शनल कट ऑफ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है. और अगला वीडियो मैं एसएसआर पे बनाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए, ठीक है दोस्तों. जय हिंद.